दोस्तों आज का रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है और आरसीबी की टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला जीता है, वैसे ही आरसीबी के फैंस को काफ़ी खुशी हुई है और आरसीबी की टीम प्लेऑफ पे पहुंच चुकी है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल पहले बल्लेबाजी करने उतरी और उसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। दिल्ली कैपिटल के दोनों सलामी बल्लेबाज ओपनर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर बहुत ही जल्द पवेलियन लौट गए और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श, जो बिना ही खाता खोले पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल की तरफ से सबसे ज़्यादा रन रवन पवल ने बनाया 43 रन और ऋषभ पंत में 39 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 19 रनों का योगदान दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम ने 20 ओवर में 159 रन 7 विकेट के नुकसान पे बनाए और मुंबई इंडियंस 160 रन के स्कोर का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने उतरी और मुंबई इंडियंस के कप्तान महज 2 रन बना के ही पवेलियन लौट गए। पर कहा जाए कि मुंबई इंडियंस की भी शुरुआत कुछ ठीक ठाक नहीं रही, लेकिन ईशान किशन पारी को संभालते हुए नजर आए और 35 गेंदों में महज 48 रनों की पारी खेली और ईशान किशन का साथ देते हुए नजर आए डिवाल्ट ब्रेविस, उन्होंने 33 रनों में 37 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 गगनचुम्बी छक्के मारे और 1 चौके। और इस जीत में तिलक वर्मा ने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया, उन्होंने महज 17 गेंदों में 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। और दोस्तों मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान जिसका था वो थे टीम डेविड, उन्होंने महज सिर्फ 11 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 4 गगनचुम्बी छक्के जड़े और दिल्ली कैपिटल की टीम को हैरान परेशान कर दिया। उन्होंने सभी बॉलरों को चौके छक्के जड़े और रमनदीप सिंह ने भी 6 गेंदों में 13 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके जड़े और मुंबई इंडियंस की टीम ने 19.1 गेंद पे ही यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत गई। देखा जाए तो रोहित शर्मा इस मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी आन बान शान सब लगा दी और दोस्तों इस मैच में रोहित शर्मा की ज़बरदस्त कप्तानी देखने को मिली और जसप्रीत बुमराह की बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अब आपको तो पता ही होगा कि अगर मुंबई इंडियंस यह मुकाबला जीत गई है तो हमारे विराट कोहली की टीम आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। दोस्तों आपको ये बता दें कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई के कारण ही आज आरसीबी की टीम प्लेऑफ तक पहुंच पाई है। अगर मुंबई यह मुकाबला हार जाती तो आरसीबी की टीम कभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों जीत के बाद ही विराट कोहली का रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने रोहित शर्मा को थैंक यू कहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आरसीबी की टीम जो है इस साल आईपीएल का खिताब जीतेगी या नहीं? अगर आपको लगता है कि आरसीबी की टीम यह खिताब जीतेगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप विराट कोहली के तगड़े फ़ैन हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।